हेलो स्टूडेंट्स, हम पार्ट नंबर 12 पे आ गए हैं और ये सेक्शन वाइज होएगा। तो सेक्शन ए जो आपका एग्जाम में होगा उस सेक्शन को हम कवर करेंगे। ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन सेक्शन ए के लिए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा जो सेक्शन ए आपका रहेगा, ठीक है। आपने सैंपल पेपर देखा होगा, उसमें 6 क्वेश्चंस आएंगे और 6 में से 2 प्रोबेबिलिटी, 2 ज्योमेट्री वेक्टर्स, 1 डिफरेंशियल इक्वेशन और 1 इंटीग्रेशन। सो आप स्पेसिफिकली सेक्शन ए पे फोकस करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, फाइंड, आप इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे जी? लॉग एक्स यहाँ पे प्लस 1 कर दो, माइनस 1 कर दो। लॉग एक्स प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। बेनिफिट क्या होगा? सेपरेशन हो जाएगी। 1 प्लस लॉग एक्स आ जाएगा, इसको आप सेपरेट कर लो। इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स इसका होल स्क्वायर कर लो। नेगेटिव 1 ओवर 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी dx लिख देना आपने, यहाँ पे भी dx। ये फुल वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो जो सिनारियो बना है वो कुछ ऐसा बना है, 1 ओवर 1 प्लस लॉग एक्स dx, यहाँ पे बना है 1 ओवर 1 प्लस लॉग एक्स इसका होल स्क्वायर तो dx। इसको हम बाय पार्ट सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे, 1, ठीक है। इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको हम सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो आपने लिखना है, तो पहला आपने एज इट इज लिखना होता है, तो पहला आपने एज इट इज लिखना है। दूसरे की इंटेग्रेशन करनी है, निशानी, निशान जो होता है वो माइनस का लगाना है। पहले की डिफरेंशिएशन करनी है, तो आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे, माइनस 1 ओवर लॉग एक्स इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। इस चीज का डेरिवेटिव साथ में आएगा और ये भी साथ में लिखनी है, ठीक है जी। सो माइनस ये आपका ये वाली टर्म होगी, ठीक है जी। सो इसका डेरिवेटिव आप ध्यान से देखना, डेरिवेटिव ऐसे होगा, 1 प्लस लॉग एक्स है, इसकी पावर ऊपर चले जाएगी, ये आगे आ जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स इसकी पावर माइनस 2 हो जाएगी, इसका डेरिवेटिव साथ में आ जाएगा। सो ये मैंने लिखा है, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा और आपका जो आंसर आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है जी। सो ये सैंपल पेपर में भी है क्वेश्चन, सो इसको ध्यान से देखना, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन ए के लिए, राइट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले इसका डेरिवेटिव कर दो, तो डेरिवेटिव जब करोगे तो डी स्क्र वाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ऑर्डर होता है कि आपने कितना डेरिवेटिव किया, तो ऑर्डर आपका क्या हो गया, ऑर्डर आपका हो गया 2। डिग्री जो ऑर्डर की हाईएस्ट पावर होती है, ऑर्डर की हाईएस्ट पावर, अगर ऑर्डर 2-3 बार अपियर हो रहा है तो हाईएस्ट पावर, यहाँ पे तो ऑर्डर एक बार ही अपियर हो रहा है, तो इसकी पावर क्या है, 1। सो जो डिग्री है आपकी वो एक ही 1। सो ये क्वेश्चन फिनिश, ठीक है जी। तो फॉर राइट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी। अगर इनका सम पूछ ले, आल्सो फाइंड सम, आल्सो फाइंड सम, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, तो आप क्या करोगे, 2 प्लस 1 3 निकाल दोगे आंसर, ठीक हो गया जी। सो थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन छोटे हैं जी, बिकॉज ये सेक्शन ए में छोटे क्वेश्चन ही हैं, ठीक है, बट 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन, ए एंड बी आर द यूनिट वेक्टर्स। अगर ए यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉडुलस 1 होएगा, बी यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉडुलस 1 होगा। तो प्रूव दैट, आपने ये प्रूव करना है, जो चीज आपने प्रूव करनी हो ना उसको कंसिडर कर लो, आपने इसको प्रूव करना है ना, तो आप ऐसे करो, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी कंसिडर कर लो, क्योंकि जो जो वैल्यू होती है ए प्लस बी डॉट, ये ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मॉड बन जाएगी, स्क्वायर आप उधर ले जाएंगे। सो ए ए के साथ डॉट खाएगा ए डॉट ए, ए बी के साथ डॉट खाएगा ए डॉट बी, बी ए के डॉट साथ डॉट खाएगा बी डॉट ए। सो बी डॉट बी इट इज ए मॉड स्क्वायर, ठीक है जी। डॉट प्रोडक्ट कमुटेटिव होती है, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ए डॉट बी, तो ये हो गया बी मॉड का स्क्वायर। अब a एंड b आर द यूनिट वेक्टर्स, देयरफॉर a की वैल्यू होगी 1। इसको आपने फिर डेफिनेशन को ओपन कर लेनी है,
ए बी कॉस थीटा डॉट की वैल्यू, बी का मॉडुलस अगेन 1, ये जो आपका आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। अब 1 ये 1 ये 1 प्लस 1 क्या बन गया 2, ठीक है जी। ये यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, ये आ गया आपका कॉस थीटा। सो 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। सो 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, तो ये आ गया आपका 2। इसको आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये ए प्लस बी यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर रूट लेके सो स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ये कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा, और ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए लिए ये जनरल फॉर्म में होना जरूरी है। सो जनरल फॉर्म कैसे करोगे आप इसकी, तो इसको जनरल फॉर्म में बनाने के लिए पहले तो आप लिखोगे एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर देगा। यहाँ से आप 2 कॉमन निकालोगे, y माइनस 1 बाई 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और z माइनस 0 ओवर 4 ये ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो लिख लिया आपने स्टैंडर्ड फॉर्म, जो इसकी डायरेक्शन रेशियो आ गई वो 1 1 4 आ गई। अगर आपने डायरेक्शन को साइन निकालना हो तो आपको इसको यूनिट बनाना पड़ेगा, तो फोर्स के तो यूनिट बनाने के लिए इसको किस से डिवाइड करना पड़ेगा, 18 अंडर रूट से, 4 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 इसका अंडर रूट। सो 1 बाई 18 अंडर रूट, 1 बाई 18 अंडर रूट, 4 बाई 18 अंडर रूट। अगर आप फैक्टर बनाना चाहते हो तो बना लो 1 ओवर 3 अंडर रूट 2, ठीक है जी। अगला भी 1 ओवर 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा, अगला 4 ओवर 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 17 फिनिश। एक क्वेश्चन और करेंगे इस वीडियो में, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18, ये सभी क्वेश्चन सेक्शन ए की प्रैक्टिस देंगे आपको, ठीक है जी। सो वीडियो ध्यान से देखो, तो आपने ये करना है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखो, इसका मतलब ये है कि आपने इवन ऑड फंक्शन चेक करना है। सो एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो आपको एफ ऑफ नेगेटिव एक्स पता करना है, ठीक है। आई होप आपको प्रॉपर्टी याद होगी, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा बट साइन में से नेगेटिव बाहर आ जाता है, सो इट इज नेगेटिव ऑफ एफ एक्स। सो अगर एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ एक्स आया, देयर फॉर एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। और जो आपकी प्रॉपर्टी होती है ना, वो ये होती है कि अगर आप ए और बी एफ एक्स डी एक्स निकाल रहे हो तो इसका आंसर होता है 0, अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन हो इसका आंसर होता है 2 टाइम 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, अगर एफ एक्स इवन फंक्शन होता है। तो आपका ऑड फंक्शन है तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या होएगा, 0 होएगा, ठीक है जी। सो 18 क्वेश्चन हो गए हैं और बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको शेयर भी कर दो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।